सिलेबस के अनुसार प्रागैतिहासिक काल और इसके बाद हड़प्पा सभ्यता, ये शुरुआत माना जाता है प्रागैतिहासिक काल से, जिसे प्री हिस्टोरिक एज भी कहा जाता है। जब मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था तो उस समय के साक्ष्य हमें किस आधार पर लेना पड़ेगा, तो उस समय से जो अवशेष मिले हैं उसके आधार पर उसकी जानकारी मिलती है हमें, जिसे अनेक कालों में बांटा गया है। और वहीं उसके बाद प्रागैतिहासिक काल के बाद हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत होती है। तो एक एक करके इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उसको हम देखते हैं विश्लेषण के साथ। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ देखते हैं कि मानव जाति के विकास क्रम में सबसे पहले मनुष्य ने क्या, तांबा की खोज की। मनुष्य जब मानव ने इस धरती पर कदम रखा तो सबसे पहले किस धातु की खोज की, तांबा की। तो भारत में भी तांबा की जानकारी पहले हो चुकी थी, चांदी की जानकारी हो चुकी थी, सोने की जानकारी हो चुकी थी, लेकिन हड़प्पा काल के समय, हड़प्पा सभ्यता के समय लोहे की जानकारी नहीं हुई थी। तो यहाँ ध्यान देना है कि मानव जाति के विकास के क्रम में लोहे का प्रयोग मनुष्य ने 2000 BC यानी 2000 ईसा पूर्व के आसपास ही सीख लिया था, लेकिन उस समय इसका प्रयोग कुछ समुदाय तक ही सीमित था और कुछ देशों यानी भारत के छोड़कर दूसरे देशों में था। 1400 ईस्वी पूर्व, यहाँ देखेंगे फिर 1400 BC, 1400 ईस्वी पूर्व में यह एशिया माइनर, जो वर्तमान में तुर्की को हम कहेंगे, एशिया माइनर की एक जाति थी हिटाइट जाति ने लोहे के निर्माण की तकनीक खोज निकाली। और 1200 ईस्वी पूर्व में यानी 1200 बीसी में यूनान के निवासी लोहे के औजारों तथा 1200 ईस्वी पूर्व में आते आते फिलिस्तीन, तुर्की, सीरिया, ईरान, इराक तथा यूनान के निवासी लोहे के औजारों तथा उपकरणों का प्रयोग करना सीख लिया। लेकिन अभी भी भारत में क्या था, यह अछूता था, 1200 ईस्वी तक अछूता रहा। भारत में देखेंगे तो लौह युग का प्रारंभ कब होता है, मध्य एशिया में देख लिए कि 1200 बीसी में लौह युग का प्रारंभ हो चुका था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में लोहे के बारे में जानकारी नहीं हुई। इसके बाद भी हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल माना जाता है 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक, लड़खड़ाते लड़खड़ाते 1500 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता रहती है। लेकिन फिर ये क्या है, लोहे की जानकारी भारत में 1000 बीसी यानी 1000 ईसा पूर्व में भारत में लौह युग का प्रारंभ होता है। तब हड़प्पा सभ्यता क्या थी, एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, जो तांबे और टीन को मिला करके कांस्य धातु बनाई जाती थी, यानी कांस्य धातु बनाया जाता था। तब इस सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले कांसा बनाने की तकनीक सिंधु घाटी सभ्यता से होती है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। लेकिन लोहे की जानकारी इस सभ्यता में नहीं थी, सोने चांदी का आयात दूसरे देशों से किया जाता था और तांबा अधिकांश जो है उस समय राजस्थान के खत्री क्षेत्र से मंगाया जाता था। तो इस तरह से लोहे की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थी। दूसरा प्रश्न है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। तो यहाँ ध्यान देना है कि मानव ने सबसे पहले जब एक जगह अस्थाई रहना सीखा, भटकते भटकते जिंदगी इधर उधर बिताता था, लेकिन जब खानाबदोश की जिंदगी से अस्थाई जीवन बिताने लगा तो सबसे पहले मानव ने किस पर ध्यान दिया, तो कृषि पर ध्यान दिया। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे कि कृषि के साथ साथ जो है यहाँ व्यापार पर विशेष ध्यान दिया गया। और सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी
और नगरीय सभ्यता वर्तमान समय में भी देखा जाता है कि जो बड़े बड़े नगर हैं तो इसकी खासियत क्या होती है कि यहाँ व्यापार बड़े पैमाने पर फेमस होता है, व्यापार की बहुत बड़ी भूमिका होती है इसमें। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए सबसे अधिक अर्थव्यवस्था की ताकत थी जो उस समय, वो क्या थी, यहाँ की व्यापार, कृषि के साथ साथ व्यापार, इसलिए ताकत माना जाए अर्थव्यवस्था की सिंधु घाटी के, तो क्या है, वो व्यापार को ही माना गया। और सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती थी, जिसे यूनानी लोग सिंडन कहते थे, कपास को सिंडन कहते थे। और भारत क्या है, इस कपास का निर्यात दूसरे देशों में करता था, तो कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता की ताकत मानी गई व्यापार को। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा, ये शब्द देख रहे हैं, कालीबंगा एक जगह सिंधु घाटी सभ्यता की थी, एक स्थान था कालीबंगा। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, और सिंधु घाटी सभ्यता के समय कालीबंगा जो है ये है उस समय घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती नदी थी, और यही घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। तो इसकी प्रसिद्धि के कारण क्या है, यहाँ देखेंगे कि वहाँ कपास की खेती वहाँ नहीं होती थी, क्योंकि कपास की खेती काली मिट्टी में होती है, इसलिए ये राजस्थान क्षेत्र में पड़ता है, तो वहाँ कपास की खेती नहीं होती थी। अच्छा, ये है कि ये समुद्र के किनारे नहीं है, तो यहाँ बंदरगाह नहीं होगा। अच्छा, यहाँ देखेंगे चट्टान कटौती की वस्तुकला यहाँ पर नहीं पाई गई है, उस समय ऐसा कुछ वहाँ नहीं देखा गया है। जो है ये मिट्टी की पात्र का प्रसिद्ध यानी कहाँ से मिला है, ये कालीबंगा। कालीबंगा की खासियत और है कि शल्यक्रिया, चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में शल्यक्रिया का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। और भूकंप का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, भूकंप का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भी कहाँ से मिला है, ये कालीबंगा से मिला है। और यहाँ सबसे बड़ी जो खासियत है प्रसिद्धि, कि जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। होता था कि जालीदार धार, मतलब इस तरह से खेत जुते हुए के साक्ष्य मिले हुए हैं, कहाँ से, कालीबंगा से। इसलिए कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, और वहीं पर मिट्टी का पात्र भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता मानी जाती है, तब जो व्यापारिक क्षेत्र थे अधिकांश, वो क्या है, अधिकांश जो है सब शहरी क्षेत्र माने जाते थे। है तो बहुत सारे क्षेत्र, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि बंदरगाह शहर, तो यहाँ ध्यान देना है कि बंदरगाह शहर वही हो सकता है जो समुद्र के किनारे है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम देखते हैं तो बंदरगाह को गोदीबाड़ा भी बोला जाता था, गोदी भी बोला जाता था। तो ध्यान देना है कि हड़प्पा जो है ये क्या है, ये रावी नदी के किनारे स्थित है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। बनावली कहाँ है, ये हरियाणा में है, हिसार जिले में स्थित है, जो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। रोपट देखेंगे ये कहाँ, पंजाब में स्थित है, जो सतलज नदी के किनारे है। तो ये है तो सभी जितने भी ये स्थान हैं सब नदियों के किनारे है, रोपट सतलज नदी पंजाब में, हड़प्पा रावी नदी जो पाकिस्तान में स्थित है, और बनावली हरियाणा हिसार जिले में, जो सरस्वती नदी किनारे। लेकिन समुद्र के किनारे ये तीनों स्थान को देखेंगे तो कोई नहीं है। अब देखते हैं लोथल, तो लोथल ये कहाँ है, ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है।
और भारत के जब नक्शा देखेंगे तो ये क्षेत्र जो है यहाँ, तो यहाँ इधर क्या है, ये अरब सागर हो जाता है, तो ये समुद्र के किनारे लोथल इस जगह पर स्थित है, तो इधर क्या है, ये समुद्र है, पूरा समुद्र भरा हुआ है, तो यहाँ इस जगह पर लोथल होने के चलते समुद्री व्यापार यहीं पर होता है, तो बंदरगाह कहाँ बनेगा, समुद्र के किनारे। तो लोथल, ये लोथल जो है जो गुजरात में अवस्थित है, और लोथल को गुजराती भाषा में मृतकों का टीला भी कहा जाता है गुजराती भाषा में, और यहीं पर है एक भोगवा नदी, लोथल के किनारे भोगवा नदी है, भोगवा नदी। तो लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी। लेकिन खासियत क्या है कि यहाँ ये समुद्र के किनारे है, समुद्र के जस्ट बगल में ही थोड़ा दूरी पर ये भोगवा नदी है, भोगवा नदी से बीच में ये पड़ता है कौन, लोथल क्षेत्र। तो विश्व का सबसे प्राचीनतम जहाज़ों की गोदी यहीं से मिली है, यानी बंदरगाह यहीं से मिली है, विश्व के प्राचीनतम, पूरे दुनिया का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह देखेंगे कौन है, तब लोथल को माना जाता है। यहाँ लोथल की खासियत और है कि यहाँ चावल के अवशेष भी मिले हैं, और यहाँ पर पोत निर्माण, ये पोत निर्माण यहाँ किया जाता था, और नावों द्वारा ये क्या है, समुद्री व्यापार की पुष्टि भी होती है। इस तरह से लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों को एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है। अब यहाँ देखेंगे कि मूर्ति तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक प्रसिद्ध मूर्ति जो मिली है वो है नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की, ये क्या है, कांसे की बनी हुई है, मोहनजोदड़ो में ही मिली है, और ये क्या चीज की है, कांसे की है, ध्यान देना है, कांसे की बनी हुई है। और ये सिंधु कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है, सिंधु कला का इसे सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। पूरी मूर्ति के गले में क्या है, हार है, मूर्ति जो बनी हुई है वो पूरी मूर्ति के गले में क्या है, पूरा हार है। इसके अलावा ये पूर्णता क्या है, नग्न अवस्था में है, और इसके सिर जो है, सिर के पीछे इसके जो बाल हैं, तो बालों की छोटी लटे, यहाँ छोटी लटे बांधी हुई है, और जो पटिका द्वारा संवारी गई है, सिर पीछे की ओर झुकाए हुए हैं, आंखें झुकी हुई है, दाएं भुजा कुल्हे पर टिकाए और बाएं भुजा नीचे लटकी हुई यह मूर्ति नृत्य की स्थिर मुद्रा को दर्शाती है। आप देखेंगे नटराज की मूर्ति को देखते हैं तो ये क्या है, नटराज की मूर्ति चोल शासकों द्वारा बनाया गया था, और यह बताया जाता है कि यह शिव की प्रतिमा के रूप में बनाई गई है, ये मूर्ति जो है शिव की प्रतिमा के रूप में बनाई गई थी। इसको माना जाता है जैसे शिव का तांडव नृत्य करते हुए जैसा दिखाया गया है। तो ये चोल काल का है जो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत बाद का है। नरसिम्हा की बात है तो नरसिम्हा क्या है, ये भगवान विष्णु की चौथे अवतार नरसिम्हा अवतार इनकी मूर्ति, यानी नरसिम्हा अवतार जो थे भगवान विष्णु की चौथे अवतार थे, और इनकी मूर्ति जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशी मठ में स्थापित है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं है, और बुद्ध की जो मूर्तियाँ, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत बाद की बात है, ये ईसवी यानी महाजनपद काल के समय की बात है, उस समय बनी है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो वैसे मोहनजोदड़ो में देखेंगे तो बहुत सारे भवने मिले हैं, एक मंजिला, दो मंजिला, और तो यहाँ सबसे खासियत है कि मोहनजोदड़ो जो वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित है, जो इधर से सिंधु नदी जाती है भारत होते हुए, तो इस जगह पर क्या है, मोहनजोदड़ो स्थित है,
तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है, तो यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर इस क्षेत्र में, ये पूरा क्षेत्र था मोहनजोदड़ो का, यहाँ पर विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार ये दोनों ही मिले हैं। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। लेकिन ये दोनों में सबसे बड़ा कौन था? तो सबसे बड़ा था अन्नागार, जिसी को धान्यागार भी कहा जाता था। लोग फसल उपजाते थे, खेती करते थे और कहाँ रखते थे? इसी अन्नागार में रखते थे। इसलिए एक बहुत विशाल हॉल के रूप में इसको बनाया गया था। तो ये कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में स्थित था। उसके बाद इसकी जो लंबाई चौड़ाई देखेंगे, तो इस अन्नागार की लंबाई चौड़ाई जो है, तो ये लंबाई जो इसकी थी, तो इसको 11.88 मीटर इसकी लंबाई थी और चौड़ाई देखेंगे तो कितने? 7 मीटर इसकी चौड़ाई थी और लंबाई 11.88 मीटर। ये बहुत विशाल भवन था। तो ये इसी को हम लोग धान्यागार या अन्नागार कहते हैं। ये कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। और यहीं पर विशाल स्नानागार भी स्थित था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, तो ध्यान देना है कि मोहनजोदड़ो क्षेत्र जो है, ये अधिकांश पाकिस्तान क्षेत्र में, और उस क्षेत्र में उस समय बोली जाती थी सिंधी भाषा बोली जाती थी। तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला कहा जाता है। तो वही इसी को स्थानीय नाम दिया गया है। तो मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में, यानी वहाँ की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? सिंधु नदी के किनारे, तब यह देखेंगे कि भारत के अधिकांश जो सिंधु घाटी स्थल है, कोई ना कोई नदियों के किनारे स्थित है। जैसे देखते हैं कौन है, ये हड़प्पा, पहले देखते हैं हड़प्पा। तो हड़प्पा कहाँ है? ये रावी नदी के किनारे स्थित है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। कालीबंगा देखते हैं, तो कालीबंगा कहाँ है? ये राजस्थान में स्थित है। और कहाँ है ये? घग्घर नदी के किनारे स्थित है, जो जिसका प्राचीन नाम सरस्वती था। और लोथल देखेंगे, तो लोथल किस नदी के किनारे है? ये भोगवा नदी के किनारे है। तो बच गया कौन? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और सिंधु नदी के कौन साइड में स्थित है? ये दाहिने साइड में। सिंधु नदी इधर से आती है और दाएं साइड में यह स्थित है। तब सिंधु नदी के किनारे कौन स्थान स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के बाएं साइड में है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और ये घग्घर नदी के किनारे है। लोथल गुजरात में स्थित है और ये कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तब यहाँ देखेंगे इतिहास के आरंभिक काल, तो इसके पहले थोड़ा सा देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जब मनुष्य ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था मनुष्य, उसी को हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्ट्री एज। अब प्री हिस्ट्री एज को, प्रागैतिहासिक काल को के बाद पाषाण काल आता है, पाषाण काल। और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। एक है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। तो यहाँ देखें कि जो ये पूरा पाषाण काल है, ये इसे 8000 बीसी से माना जाता है और मध्यपुरा पाषाण काल को 8000 बीसी से 4000 बीसी तक माना जाता है
और नवपाषाण काल को 4000 बीसी से 2500 बीसी तक माना जाता है। तो यहाँ स्पष्ट पता चलता है कि सबसे प्राचीन कौन है, सबसे आरंभिक कौन है, तो सबसे आरंभिक क्या हो गया, पूरा पाषाण काल, जिसमें सब कुछ क्या होता था, पत्थर का होता था, घर रहना पत्थर का, औजार पत्थर का, सब कुछ मानव का पत्थर का होता था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका का गुफा किस राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले देखिए कि भीमबेटका भारत के ये क्या है, मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन, रायसेन जिला है वहाँ, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला, रायसेन जिला में स्थित है। और यह क्या है, भीमबेटका पूरा पाषाणिक आवासीय, पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है ये। तो मानव बताया कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य क्या है, सब कुछ अपना रहने का स्थान कहाँ बनाता था, तब ये गुफाओं पत्थर की गुफा बने होते थे, उसी में अपना स्थान रहने का बनाता था, औजार होता था मानव के क्या सब पत्थर का ही होता था, तब पाषाण मतलब यहाँ पत्थर होता है। तब उसी समय मध्य प्रदेश के भीमबेटका में क्या है, मानव ने एक शैल चित्र यानी वहाँ एक गुफा है उसी के अंदर शैल चित्र बनाया था, और उसी को शैल आश्रय मानव ने बनाया यानी रहने का स्थान वहीं बनाया, उसी के अंदर गुफा के अंदर क्या किया, एक बहुत अच्छा शैल चित्र बनाया था। तो ये स्थान कहाँ है, भीमबेटका में है, जो किस काल का है, पूरा पाषाण काल का माना जाता है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक यानी पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है, कौन, भीमबेटका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए। तो यहां देखते हैं मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, लघु पाषाण काल, या तो इसमें सबसे प्राचीन जो बताएं कौन था, पूरा पाषाण काल। यहां ध्यान देंगे कि उपकरणों के भिन्नता के आधार पर यानी पूरा पाषाण काल को तीन काल में विभाजित किया गया, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इस पाषाण काल को भी, पूरा पाषाण काल को भी तीन काल में बांटा जाता है, इसे भी तीन काल में बांटा जाता है। एक है पूर्व पूरा पाषाण काल, पूर्व पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। तो यहाँ देखेंगे इसे उपकरणों के आधार पर, जो औजार होते थे पत्थर के औजार होते थे उसके आधार पर इसे तीन काल में बांटा गया है। तो यहाँ ध्यान देंगे जो मानव ने सबसे पहले जो औजार बनाया वो धारदार नहीं होता था, देखिए इस आकार का होता था, धारदार नहीं था, तो इस आकार को हमने क्या कहा, पूर्व पूरा पाषाण काल, इसे पूर्व पूरा पाषाण काल कहें। लेकिन जब यही औजार में क्या है, कुछ नुकीलापन आया, देखिए ये स्थिति आया, तो इसको बोले हम लोग मध्य पूरा पाषाण काल। लेकिन अंत में देखते हैं कि औजार में क्या है, ये नुकीला हो गया, नुकीला बनाने लगा औजार, तो इसी को हम लोग कहें उच्च पूरा पाषाण काल। तो उपकरण के आधार पर इसे तीन पूरा पाषाण काल में बांटा गया है, लेकिन सबसे पहले पाया गया जो माना गया है तो क्या है। यहाँ प्रश्न के अनुसार देखें किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए, तो ये पूरा पाषाण काल में, इसी को हम लोग तीन भाग में बांटे हुए हैं, जो औजार पूर्ण रूपेण अलग अलग समय में इसका बदलाव मानव ने करते चला गया। उसके बाद देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां, सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, और इसकी खासियत क्या थी, विश्व में अपने समकालीन सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्धि के कारण है यहाँ की नगर नियोजन नीति, जो यहाँ के नगर बनाए गए थे यानी शहर बनाए गए थे, ये क्या था, बहुत नियोजित ढंग से बनाए गए थे, और जो शहर बनाए गए थे उसमें
जो सड़कें होती थी, सड़कें जो होती थी ये क्या होती थी, समकोण होती थी। ये सड़क है और घर जो बसाए गए थे ये घर इसी के किनारे किनारे बसाए गए थे। पूरा नियोजित ढंग से बनाया गया था, पूरे शहर को नियोजित ढंग से बसाया गया था। अब देखें तो क्या है, ये जो सड़कें थे अब है कि बीच में इधर से भी गलियां आती थी, इधर से भी गलियां आती थी, इधर भी घर बने होते थे, इधर भी घर बने होते थे, और ये क्या है, ये सब समकोण काटते थे। तो गलियां जो भी होती थी क्या है, ये भी चौड़ी होती थी और सीधी होती थी, चौड़ी होती थी गलियां और सीधी, मुख्य सड़क में मिलते थे। और फिर इसके किनारे बहुत अच्छे ढंग से क्या है, नालियां भी बनी होती थी जो मुख्य सड़क में मिलते थे, फिर यहां से नालियां मुख्य सड़क में भी दी जाती थी, और नालियां ढकी हुई रहती थी, पत्थरों से ढक दिया जाता था, फिर इसे समुद्र में बहाया जाता था। तो इस तरह से देखें कि जो सड़कें थी यहाँ की ये क्या थी, चौड़ी और सीधी होती थी। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को अनेक नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी पूर्व में हम लोग चर्चा किए पिछले क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी सभ्यता जब चल रही थी भारत में, इसके समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी, इसके समकालीन मिस्र की सभ्यता भी थी, इसके समकालीन फारस की सभ्यता थी, जिसे लेकिन इस सभी सभ्यताओं में देखा जाए तो ये तीनों सभ्यता भले ही इसके समकालीन थे लेकिन नगर नियोजन के मामले में विश्व प्रसिद्धि किसको प्राप्त थी, सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि यहाँ का नगर नियोजन इस ढंग से बनाए गए थे कि इन सभ्यताओं में इस तरह का नगर नियोजन नहीं देखी गई है। तब निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तभी अब देखेंगे कि सतलज नदी के किनारे बताए हैं वहां रोपड़। तो इसके पूर्व क्वेश्चन में हम लोग पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा जो स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा जो स्थल है ये क्या है, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के बाएं साइड में। जब हम देखेंगे यहाँ से इधर से रावी नदी आती है और इस जगह पर क्या है, अभी पाकिस्तान क्षेत्र में चला गया, ये पाकिस्तान क्षेत्र में इस बाएं क्षेत्र पर ये हड़प्पा क्षेत्र है। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत देखेंगे तो सबसे पहले दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत किसकी खोज की थी, हड़प्पा, यही स्थल की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। उसके बाद राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की। तो इसलिए जब सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और यह हड़प्पा जो जगह है, बताएं कहाँ है, ये पाकिस्तान में है स्थित है और रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्तुगुई सिंधु सभ्यता का एक क्षेत्र था जो किस देश में स्थित है। तब यहाँ देखेंगे कि जो भारत का क्षेत्र है ये, तो इधर यहाँ से इधर पाकिस्तान हो जाता है, यहाँ से इधर है ये क्षेत्र जो है ये अफगानिस्तान है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पाकिस्तान के साथ छात्र इसकी क्षेत्र जो है ये अफगानिस्तान क्षेत्र में था। तो अफगानिस्तान के भी दो क्षेत्र में देखे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दो स्थल माने जाते हैं अफगानिस्तान के, एक है सोर्तुगुई और
दूसरा है मुंडी गाक, मुंडी गाक, ये दोनों स्थल अफगानिस्तान में पड़ता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल ये माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता में इसी के अंदर आता था ये दोनों स्थल। तो अफगानिस्तान के दो स्थल मुंडी गाक और सुरतुगुई, सुरतुगुई भी बोला जाता है, ये दोनों स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो अफगानिस्तान में पाया जाता है। तो इस तरह से कहाँ पाया गया, सुरतुगुई स्थल अफगानिस्तान में। तो इस तरह से हमने अभी 15 क्वेश्चन जो जिसका पूर्ण विश्लेषण हमने किया, इसके साथ साथ आपने बहुत अन्य क्वेश्चन भी इसके साथ साथ सॉल्व कर लेंगे जो इसके इससे संबंधित और भी प्रश्न बनते जा रहे हैं और इसका निष्कर्ष निकाला जा रहा है, और इससे संबंधित बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो आपको झारखंड वॉरियर के ऐप में अवेलेबल है, वहाँ आपको सब मिल जाएंगे, और इसके PDF भी झारखंड वॉरियर ऐप में अवेलेबल करा दिया जा रहा है, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ इसका विश्लेषण एकदम सही तरीके से एक मानक के रूप में किया जा रहा है, जो आपको एक सफलता की ओर आगे बढ़ा देगी। अगर आप सफलता के मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं तो झारखंड वॉरियर ऐप से जुड़े, क्योंकि इसका क्लास झारखंड वॉरियर ऐप में भी बेजोड़ ढंग से चलाए जा रहे हैं। आप जल्द से जल्द जुड़ें और इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि एग्ज़ाम आने पर आप एकदम, एक गांव में कहावत है कि भोज के बेरा में कोहंडा रोपना, वो स्थिति ना आ जाए, आप एकदम कंटिन्यू बने रहें, वैकेंसी के इंतज़ार मत करें, क्योंकि वैकेंसी आएगी तो उस समय आपके दिमाग हैंग कर जाएगा। इसलिए आप अभी से ही एक धारदार तरीके से कंटिन्यू तैयारी में जुटे रहें, उसे आप तोड़े नहीं, उस चेन को तोड़े नहीं, एकदम उसे बना के चलें। जिस प्रकार नदियों में पानी, जो पानी बहता रहता है वो क्या होता है, हमेशा साफ सुथरा होता है, लेकिन जो पानी क्या है, अस्थिर होता है, वो पानी क्या होता है, गंदा हो जाता है। इसलिए जो विद्यार्थी हमेशा कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं वो क्या है, वो एकदम उसका दिमाग साफ रहेगा और साथ ही उसकी तैयारी एकदम मजबूती की ओर बढ़ेगी। लेकिन जो पढ़ाई छोड़ दिए हैं वो क्या है, एकदम फिर से अगर अचानक वैकेंसी आएगी, वो इधर पढ़ेंगे उधर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, उसके दिमाग हैंग करेगा। इसलिए कंटिन्यू आप बना के रखें और झारखंड वॉरियर ऐप से एकदम जल्द से जल्द जुड़ जाए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।